शामली में एनकाउंटर के खौफ के चलते गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांटेड 6 आरोपी ने बुधवार को कोतवाली थाने में हाथ उठाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस के सामने अपराध से दूर रहने की कसम खाई। आरोपियों का नाम फुरकान, रहमान, तासीम, इनाम, नौशाद व हाशिम, निवासी गांव रामड़ा कैराना है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान पेश कर दिया है। एसपी सुकृति माधव ने बताया कि वांछित गैंगस्टरों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने खुद थाने में पहुंचकर आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने कहा है कि वे अब आगे से अपराध नहीं करने की कसम खाते हैं। उन्होंने जेल से आने के बाद शांति से अपना जीवन बिताने की बात कही। सीईओ कैराना जितेंद्र कुमार ने बताया कि करीब 5 माह पहले पुलिस प्रशासन ने एसपी विधायक चौधरी नाहिद हसन, उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन सहित 40 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। कई मामलों में 8 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं। कानूनी कार्रवाई और पुलिस की लगातार गिरफ्तारी के दबाव से डरकर 16 आरोपी पहले ही सरेंडर कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि बुधवार को 6 आरोपियों ने कोतवाली में सरेंडर किया। इस मुकदमे में 40 आरोपियों में से अब तक 30 आरोपी जेल जा चुके हैं। इससे पहले शुक्रवार को गैंगस्टर एक्ट के 3 आरोपी मोमिन, इंतजार और मंगता ने पुलिस के सामने सरेंडर किया था। बता दें कि यूपी में योगी सरकार की कार्रवाई के चलते माफियाओं की कमर टूट गई है। प्रदेश के कई अपराधी इस समय या तो जेल में हैं या फिर प्रदेश से बाहर हैं। यूपी पुलिस ने एनकाउंटर से डर कर कई गैंगस्टर अब तक आत्मसमर्पण कर चुके हैं।